फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग के चैनल में। और आज मैं फिर से बिग बॉस के ऊपर ही बात करने वाला हूं, जैसा कि पहला वीडियो मैंने बिग बॉस के ऊपर ही बनाया था और वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज का जो बिग बॉस के ऊपर गपशप होगी हम लोगों की, वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि बिग बॉस अब अपने अंतिम चरण में आ चुका है और बिग बॉस का जो मज़ेदार गेम चल रहा है वो देख के काफ़ी अब इंटरेस्टिंग हो गया कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट होने वाला है जो फाइनल तक जाएगा और कौन आज वीकेंड के वार में निकलेगा। फिर से हम एक बार अपनी चर्चा को हमारे साथ भाभी हैं उनके साथ हम अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे कि वीकेंड के वार में और बिग बॉस में अभी तक जो है जो तीन नाम आए हैं सामने, जो आज तीन नाम में से कोई एक बाहर जा सकता है, एक लव कटारिया, दूसरा है विशाल और तीसरा शिवानी। इन तीनों में से आप किसको पसंद कर रही हैं और तीनों में से कौन होगा जो बाहर जाएगा आपके हिसाब से, कौन किसको बाहर जाना चाहिए? विशाल को बाहर जाना चाहिए। विशाल को बाहर जाना चाहिए, क्यों? विशाल तो अच्छा ही खेल रहा है, ऐसा क्या कर दिया विशाल? विशाल का गेम उतना अच्छा नहीं लग रहा है बिग बॉस का, लेकिन इस बार एक चीज मुझे अजीब सा लग रहा है कि वो घर वालों का फैसला ही करवा के फिर बाहर जो निकाल रहा है, वो फैसला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वोटिंग के हिसाब से होता गेम तो काफी मजेदार होता, क्योंकि घर वाले तो एक दूसरे पे गुस्सा निकालेंगे, उसको टारगेट करेंगे और फाइनल में जाते जाते कोई एक अच्छा मजबूत कंटेस्टेंट रह जाएगा। ऐसे में आज जो तीन नाम है जैसे लव कटारिया और विशाल शिवानी, ये तीनों काफ़ी मजबूत हैं, फाइनल भी जीत सकते हैं। अगर तीनों में से कोई भी आज निकलता है तो शायद वो अगर फाइनल तक जाते हैं या अंतिम तक जाते हैं तो वो इन तीनों में से एक, ऐसा तो है तीनों में से कोई भी एक जीत सकता है, तीनों में दमदार तीनों दिख रहे हैं। तो ऐसे में जो बिग बॉस ने जो फैसला लिया है एक दूसरे से वोटिंग करवा के, वो फैसला मुझे तो बहुत गलत लगा। आपको कैसा लगा वोटिंग करवा के? घर में ही वोटिंग चल रही है उसके बाद वो फैसला कर रहे हैं कि बाहर निकालने का, आपको वो फैसला कैसा लगा? वो तो बिग बॉस के हाथ में भाई, कुछ भी हो सकता है। वो तो है, लेकिन बिग बॉस जिस तरीके से पहले गेम खेलता चलाता था वैसे ही अभी भी चलाना चाहिए, वैसे ही चला। और कल का एक गेम देखने को मिला था जो जैसे नेता वोट मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, वो कैसा लगा आपका? किसका अच्छा लगा? शिवानी का अच्छा लगा। जैसे बोल रहे थे सर वोट फॉर शिवानी, वोट फॉर कटारिया, वोट फॉर विशाल, तो शिवानी का अच्छा लगा आपको? हाँ, लेकिन शिवानी और विशाल में एक चीज़ देखने को मिला है, मुझे तो अपना सेल्फिश गेम खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है। विशाल ने सेल्फिश वाला गेम खेल रहा है। हाँ, कि मैं बच जाऊँ कैसे भी करके, जिनसे वो पूरे सीजन लड़ाई किया है, जैसे अरमान हो गए या जिसकी सुनता नहीं था, अब उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है ताकि वो मुझे बचा लें। ये चीज़ बहुत बुरा लगा। और कटारिया का एक चीज़ अच्छा लगा, स्टार्टिंग में तो अच्छा नहीं खेल रहा था लेकिन अब काफ़ी अच्छा खेलने लगा है कटारिया, जो है वही दिखा रहा है, मतलब अच्छा है। लास्ट तक ये नहीं दिखा रहा कि मुझे बचाओ, मतलब जैसा है वैसे ही खेल रहा है। और शिवानी का भी मुझे जहाँ तक अब लग रहा है कि वो भी बचने के चक्कर में खेल रही है कि कैसे बच जाऊँ, बचने के चक्कर में तो सभी खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ये विशाल और शिवानी का गेम तो मुझे देख के ऐसे लग रहा है कि मैं बस आगे हूँ, चाहे अपने ग्रुप में भी बैठ रहे हैं कटारिया के साथ। आपने वो वाला साथ सीन नहीं देखा था जब कटारिया के साथ लव के विशाल के साथ बैठी थी शिवानी, फिर वहाँ अरमान के पास जाके बोलने लगी, उन्हीं की बातें वहाँ जाके बोलने लगी। तो अपनी ग्रुप की बात करना कितना अच्छा है, ये चाहे बाहर हो चाहे दोस्त बन गए, वो ग्रुप है, अब ग्रुप की बातें दूसरे ग्रुप में तो वो मज़े तो लेंगी। अरमान ने भी बोला कि चल तू बता शिवानी, उन लोगों की कमियाँ बता हमें, वो बोला अरमान। फायदा उठा रहे उसमें, उतनी समझ नहीं है ना, समझ सब है मुझे जहाँ तक लग रहा है, समझ अगर नहीं होती तो यहाँ तक नहीं पहुँचती फाइनल। अब फाइनल आने वाला है, यहाँ तक कैसे पहुँच गई? अगर समझ नहीं होता तो पहले वीकेंड में ही निकल जाती, इतनी समझ के ही वो आगे आई है। बस मुझे लगता है वो गाँव का एक शरीफ का फायदा उठा के यहाँ तक आ गई है, मुझे जहाँ तक लग रहा है गेम अभी तक। आपको कैसा लग रहा है? आप गुस्से में ज्यादा, आप शिवानी की बहुत बड़ी सपोर्टर है इस वजह से आप गुस्से में हो गई हैं। सबसे किसको पसंद करती हैं आप सबसे ज़्यादा? ही शिवानी को, जब ही आप गुस्से में दिख रही हैं। चलो अब शिवानी के बारे में हम नहीं बोलेंगे, अब हम किसी और के बारे में बोलते हैं, विशाल और कटारिया के बारे में बोलते हैं। इन दोनों में से किस, सोशल मीडिया पे भी विशाल का बहुत रील वायरल हो रहा है कि शायद बिग बॉस ने निकाल दिया है, इविक्ट कर दिया है विशाल को। एक पोस्ट भी वायरल हो रहा था जिसमें जियो सिनेमा में वो लगा हुआ था कटारिया, विशाल और शिवानी, और विशाल पे इविक्ट लिखा हुआ था, लेकिन वो पोस्ट जैसे वायरल हुआ
बिग बॉस ने डिलीट कर दिया उस पोस्ट को। अभी कुछ कह नहीं सकते, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जियो सिनेमा पे लिखा आ रहा था इविक्ट, अब डिलीट हो चुका है वो पोस्ट क्योंकि वायरल हो गया था तो बिग बॉस के खिलाफ जा रहा था, तो इस वजह से बिग बॉस की टीम ने अब उसको डिलीट कर दिया। लेकिन ऐसे में लग रहा है कि विशाल कहीं बाहर ना चला जाए, कटारिया भी बाहर हो सकता है। अगर घर वालों का फैसला होता है, बाहर की वोटिंग नहीं होती है तो कोई भी हो सकता है, और बाहर की वोटिंग अगर होती है तो बाहर की वोटिंग में ये तीनों सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन तीनों को वोट तो भर भर के मिलेगा, ये तो पक्का है। तो अगर बाहर की वोटिंग होती है तो बच जाएंगे, मजबूती से बचेंगे, लेकिन अगर घर वालों का फैसला होता तो तीनों में से आज किसी पे खतरा तो बहुत ज़्यादा है। वोटिंग लाइन खुलेंगी और आज बिग बॉस सच में बहुत ज़्यादा रोमांचित होने वाला है, क्योंकि अब फिनाले भी तो आने वाला है। फिनाले 4 अगस्त को है और 4 अगस्त को पता चल जाएगा कि इस बार का बिग बॉस कौन है विजेता। लेकिन अब पूरे घर वालों की बात करें तो पूरे घर वालों में से किसका लगता है आपको कौन जीत सकता है इस बार? अरमान भी जीत सकता है, अरमान भी जीत सकता है, रणबीर भी बिल्कुल भी जीत सकता है, जिस तरीके से खेल रहा है काफ़ी समझदार भी है, लोगों को भी समझाता है, बस ईगो पे ले जाता है कुछ चीज़ें। रणबीर भी जीत सकते हैं, अरमान का भी चांस है। बिग बॉस का जो गेम है इसी तरीके से है, अपने आप को बिल्कुल समझदारी से कैसे रहना है वो चीज़ अरमान बिल्कुल दिखा रहा है, और रणबीर भी, ये दोनों मजबूत तो लग रहे हैं, काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। रणबीर समझदार है, बहुत समझदार है, उसको पता है कि कैसे फाइनल में जाया जाए। साई केतन का समझ में नहीं आ रहा मुझे, साई केतन अभी तक बिल्कुल चुप होके यहाँ तक आ गया, जबकि इतना एक्टिव भी नहीं रहता, लेकिन उसको लोग क्या पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं जानते। अगर पसंद कर रहे जब ही वो टिका हुआ है, लेकिन कर क्या रहा है वो? निजी तो चलो अच्छा करता है, निजी टाइम पास इंटरटेनमेंट भी करते रहता है बीच बीच में, जैसे हाँ भाई हाँ भाई करते रहता है, निजी का वो चीज़ पसंद आ रहा है और काफ़ी फेमस भी है निजी। लेकिन साई केतन का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, साई केतन अभी तक किस लिए टिका हुआ है। तो आप लोगों का घर वालों में कौन, आप किसको पसंद करते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बिग बॉस में किसको फिनाले में जीतना चाहिए और फिनाले में पहुँच कर किसको जीतना चाहिए, टॉप 3 में कौन कौन होना चाहिए, और ख़ास तौर पर आज कौन निकलेगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या कटारिया को निकलना चाहिए, विशाल को निकलना चाहिए या सिवानी को? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी ये बिग बॉस की गपशप अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कर दें इस वीडियो को, और हमारे चैनल पर नया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके ज़रूर लिखें कि बिग बॉस का फिनाले किसको जीतना चाहिए, ये जो बिग बॉस 3 OTT है इसमें किसको फिनाले में जीतना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।